नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेनाथ कृपा चैनल में। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि अपने सभी शिव भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज इस वीडियो में मैं आपको शिवलिंग के 10 रहस्य बताने जा रही हूं, जिसे जानना आपके लिए, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है परम कल्याणकारी शुभ सृजन ज्योति। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार का है। भ्रकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा, या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह हैं। बिंदु रूप शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग के 10 रहस्यों के बारे में। ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है शिवलिंग को। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा और उन पिंडों की तरह है जहाँ जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसमें सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु न्याय स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात ऊर्जा और ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव का न आदि है ना ही अनादि रूप। ईश्वर निराकार है, शिवलिंग उसी का प्रतीक है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य आकाश अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसी उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्मा कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा है। निराकार ज्योति का प्रतीक है शिवलिंग। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। कब से प्रारंभ हुई शिवलिंग की पूजा, आइए जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग यानी ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परम ब्रह्मा मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई है। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जाती है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ शताब्दी पूर्ण संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह रुद्र शिव का आविर्भाव हुआ दिखा। जहां जहां ये पिंड गिरे वहां वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिर का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड धरती पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इसी तरह उनके उल्का पिंड आकाश धरती पर गिर रहे थे। प्राचीन सभ्यता में भी शिवलिंग का वर्णन किया गया है।
पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। औषधि और सोने का रहस्य। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है, जलाधारी पीतल की होती है, नाग या सर्प तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आंकड़े के फूल चढ़ते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है कि कोई इसके घृण रहस्य को समझ कर उसका लाभ उठा सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात पारा, जलाधारी अर्थात पीपल की धातु, नाग अर्थात तांबे की आदि धातु आदि का को बेलपत्र, धतूरे और आंकड़े के साथ मिलाकर कुछ भी औषधि चांदी या सोना बनाया जा सकता है। शिवलिंग का विन्यास। शिवलिंग के तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में आठों और एक समान पीतल बैठक बनी रहती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की एक तिहाई होती है। ये तीन भाग ब्रह्मा नीचे का होता है, विष्णु वाला जो भाग होता है उसे मध्य भाग को विष्णु जी का भाग बोलते हैं, और शिव शीर्ष के प्रतीक हैं। शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है। प्राचीन ऋषि और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकट करने के लिए विविध रूपों से इसका स्पष्टीकरण किया गया है। शिवलिंग के प्रकार। प्रमुख रूप से शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारस शिवलिंग। पहला आकाशीय की तरह काला अंडाकार की लिए हुए है, जैसे शिवलिंग को ही भारत में ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारस